परमाणु को बताए बेटा क्या लिखें, नाइट्रोजन परमाणु को हमें क्या लिखना चाहिए, एन लिखना चाहिए ना। फिर वो कहता इसका सिंबल भी लिख लो, 7N14 हो गया। अब कहता नाइट्राइड आयन, तो नाइट्राइड आयन क्या होता है, N-3 ये नाइट्राइड आयन ये है। अब नाइट्राइड आयन में क्या क्या है ये बताना है, हाँ देखो सिंबल इसका अभी भी यही रहेगा। मैंने आपसे बताया था कि द्रव्यमान संख्या को बाईं तरफ लिखने की आदत डाल लीजिए, 7N14 ये जैसे ये है इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये द्रव्यमान संख्या हो गए, यहाँ यहाँ हो गए परमाणु क्रमांक, वही चीज़ जो पहले था वही मैंने यहाँ पर रख दिया। इसमें चार्ज क्या है, -3। अब इस बार देखिए क्या ज़्यादा हो गए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गए, तो 7 तो प्रोटॉन पहले से थे, परमाणु क्रमांक 7 है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें 7 नहीं है, 7 तब तक थे जब तक ये उदासीन था, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी हो गई, 10। माइनस का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो 10 हो गए। तो क्या क्या पूछा गया है, 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, चौथा आंसर रहेगा 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हाँ 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 ठीक है, चौथा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कौन सा मिश्रण नहीं है, ये द्रव्य वाला क्वेश्चन आ गया। जर्मन सिल्वर जो होता है ये सिल्वर नहीं है, ये एक प्रकार का एलॉय है, ठीक है। तो कांच, चूना पत्थर, कांच आपका क्या है, चूना पत्थर है, जर्मन है, सिल्वर है, पेट्रोल, कांच भी आपका मिश्रण है, ठीक। इसमें भी रंग वगैरह मिला दिया जाता है, सिलिकेट वगैरह होते, ठीक। और ये आपका चूना पत्थर, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यही CaCO3, तो ये तो यौगिक है ना, बाकी सभी क्या है, मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, ये भी से जर्मन सिल्वर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ये सिल्वर की तरह होता है, सिल्वर की तरह दिखता है, चमकदार होता है, इसलिए इसको हम जर्मन सिल्वर कहते हैं, मिश्रण है, एक प्रकार का एलॉय है, ठीक है। कंपाउंड मिक्सर, उनमें अनुपात निश्चित होता है और ठीक बॉन्डिंग होती है। चलो अगला देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, सबके इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, 22 होंगे, हाँ ठीक ठीक देखते हैं, 44 में कार्बन में 6 हैं, आप 44 द्रव्यमान ऐड कर दिए, कार्बन में 6 हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 16 हो गए, 16 6 22, ठीक है। तो आपका पहला आंसर करेक्ट है, ठीक है, 44 उसका द्रव्यमान संख्या है, क्लियर है। तो चलो ठीक है, अब आज यहीं तक रहने देते हैं और कल आप लोग 6:30 आ सकते हैं, चलो ठीक है, आज इसमें समय लॉस हो गया, इसको सेट करने में सीख लिया कैसे करना है, दोनों लोग थे, कल आप लोगों को पहले से सेट कर लेना इसे, ठीक है। इसमें 80 क्वेश्चन है, 6:30 कर दें, ठीक है, 6:30 पे आ जाइए कल, हम तो चाहते हैं कि जितना समय मिल जाए उतना अच्छा है, 6:30 कर लीजिएगा, हाँ बाद में हम दे देंगे, हाँ अब ये कहाँ से जाएगा, ये